कहाँ जा रही हो आदिया? कहीं भी जाऊँ, आपको क्या? क्या हो गया है? क्या कर दिया मैंने कि? जुहेब, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। पता नहीं क्यों, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं आपसे कोई बात, ठीक है मत बात करो, तो प्लीज बाहर मत जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ, तुम बेड में सो जाओ। आदि प्लीज, क्या हुआ हादिया? जुहेब ने कमरे से निकाल दिया क्या? मैं तुम खुद गुस्से से बाहर आ गई। सारा, तुम्हें मेरे और जुहेब के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं, मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर तब तक पर्सनल होता है जब तक कमरे के अंदर। अब तुम बाहर सोओगी तो सब देखेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। सारा प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे झगड़ कर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर। ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना, जाने ऐसी कितनी मजबूरियां आए आगे। फिलहाल तो मुझे तुम पर तरस आ रहा, अच्छी खासी ठंड हो रही है, तुम कहो तो तुम्हें एक ब्लैंकेट ला दूं, शायद नींद आ जाए। सारा, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई मुझसे कोई हमदर्दी करना चाहती हो ना, तो प्लीज मेरा और सोहेब का पीछा छोड़ दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि ये तो नामुमकिन है। पता है क्यों हादी? क्योंकि पहले जुहेब सिर्फ मेरी मोहब्बत था, मगर अब वो मेरी जिद बन चुका है। उसे तो मैं तुमसे किसी भी हाल में छीन कर रहूंगी। अरे अपना तकिया तो ले जाओ,